और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अन्ना किसका आदमी है? अच्छा, मेरे आने तक जिंदा रखो उसे। सेठ अच्छा है, बहुत अच्छा। भर दो पेटे में और वापस भेज दो मुसा के पास। आज अपना आदमी भेजा, कल बोलेगा एरिया छोड़ के जाओ। धंधे के उसूल नहीं समझता। अब्दुल भाई प्रकाश है, ऊपर जाके बोल। चला जा मशीन। अन्ना को डराता है? यही है वो आदमी, मैं जानता हूँ यही है वो। तो फिर जाओ, जाके ढूंढो, जाओ। वो नहीं मिला कर, ढूंढो, यही कहीं होगा वो। अरे वो गया वर्ली का गटर में। तू भी जाएगा वर्ली के गटर में। अब्दुल को नहीं नहीं अब्दुल, कहीं तो हिंदुस्तान जिंदा है, उसकी इज्जत कर। जा इंस्पेक्टर, सबूत ला, गवाह ढूंढ, फिर ले जाना। मैं खुद चलूंगा तेरे साथ, जा। तू चलेगा नहीं, तुझे मैं ले जाऊंगा तेरी टांग तोड़ कर घसीटता हुआ। और एक बात और याद रखना अन्ना, हर बार नहीं बचेगा तू। सब मूसा का काम, पहले आदमी भेजा, फिर प्रकाश को खबर कर दी। हम मूसा से मिलेगा ना? तू नहीं, किशन। किशन अमन का पैगाम। अच्छा, बहुत अच्छा। 2 रुपए की सफेद झंडी भेज दी, अमन का पैगाम। सीधा मत समझना उसको, इंस्पेक्टर प्रकाश को देना। हाँ, ये तो बोलना 8243 31 पे फोन करना, अर्जेंट है। बोलो, तेरे घर फोन करेगा, आज ही बात कर ले उससे। आज कुछ नहीं आना सेठ। क्यों? हाँ, अरे आज तेरा भाई आने वाला है ना अमेरिका से, फिर बोलना। बोलता क्यों नहीं, बोल। याद है जब पहली बार मिला था? बाप मर गया था तेरा उस दिन, तेरा भाई रो रहा था, करण। और तू ये ऐसे क्या भागा था उस दिन? भागना पड़ा था, भाई को भूख लगी थी। उसी दिन से तेरे भाई की और प्रकाश की बहुत। उसको ही क्यों नहीं बोलता प्रकाश को समझाने? नहीं अन्ना सेठ, करण को इस लफड़े से अलग रख। लफड़ा? अच्छा है। प्रकाश अगर सुधरेगा नहीं तो वो जाएगा ही। फिर मत बोलना अन्ना ने भाई के दोस्त की इज्जत नहीं की। शिवड़ी को डाउन कर, प्रकाश ने रेड कर दिया अन्ना से। केक मेरानी, यहाँ भी तेल के डिब्बों में अफीम। बोल बोल, बता दो, सब बता दो। अच्छा, सिवरी बंदर में अन्ना सर का माल। एक मिरानी कौन है? देवा
आजम्या ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओं गंगाभ्याः सर्वकेतामानवेदा सन्निहिताः सन्तो समस्त लंगड़ा अब्दुल, उसे बोला अभी सिर्फ लंगड़ा है, जबान कटेगी गुंगा हो जाएगा, चुप करा दे उसे। करण कैसा है? बहुत दुखी है। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। देख, बीवी बच्चे का श्राद्ध किया, क्या नहीं था उसके पास, पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था, बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला, हम क्या किया, देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ, क्या भूल गया, भूलने का भूलना पड़ता। बीवी बच्चे की मौत के सामने दोस्त के मौत का दुख क्या होता? ठीक है, ठीक, क्या भूल लेता और क्या? बोल उसे, अन्ना बोला भूल जाओ, भूल जाओ, बोल क्या डाला? कल सुबह एक पुलिस वाले का खून हुआ है ना सेठ, उसका एक हरफ हमको फांसी का फंदे तक पहुंचा सकता है। तो फिर उसे चुप करा दे, वो मेरा भाई है। तो क्या? न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा, धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जा अब्दुल, जा। नहीं अब्दुल, मैं समझाऊंगा उसे, ना सेठ, मैं समझाऊंगा। अच्छा अच्छा, चल, चल। मेहनत से जमाया हुआ इतना बड़ा धंधा एक बच्चे की नादानी की वजह से मिट्टी में मिल सकता? मेरा तो कोई है नहीं, मेरे मरने के बाद ये सब किसका है? तेरा ही तो है किशन। करण को चुप रहना होगा या जाना हो, तू उसे अपने लॉन्च पे ले जा, समझा? नहीं समझे तो गोली मार दे। आना, हमारा बच्चा भाई भाई का प्यार अगर बीच में आए तो दोनों को गोली मार दे। चल, पहचाना मुझे?
अन्ना। तू बाहर जा करण। करण पारो ने अंगूठी वापस भेजी है और कहा है तुम उसे कभी मत मिलना। पारो कुछ नहीं समझते इकबाल। जानते हो अतुल ने मुझे वहां किसकी फोटो दिखाई थी? किसकी? उस नर्स की फोटो जो भैया के पास थी। वहां मैं गवाही देता हूं यहां वो भैया गला काट देते ना। काट देते। तेरा मेरा झगड़ा ही क्या है? झगड़ा ही नहीं था तो गोली क्यों चलवाई? अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? ये तेरा भाई अगर उसे चल चल तू वापस आ जा। चल चल। करण को कुछ नहीं होना चाहिए। वादा अन्ना का वादा कुछ नहीं होगा। चल सलाम अलैकुम अब्दुल भाई। तुम्हारा जबान केंची का माफिक बहुत चलता है। काटना पड़ेगा। सुना अब्दुल, अब ये मूसा क्या कर रहा है? अपना ग्राहक विल्सन को माल बेच रहा है। होटल हॉलिडे 339 में ठहरा है। फ्रांसिस को लेके जा, समझा दे उसे, खोपड़ी फोड़ दे उसके आज। अन्ना सेठ मैं जाऊं? तू जाए ऊपर। क्या करेगा? फ्रांसिस बेल दबाएगा, मूसा दरवाजा खोलेगा, तू उसको गोली मार देना, समझे? जा गोली उसे मारने देना। जो भी है बचेगा नहीं अन्ना सेठ। तू तो नहीं है ना वो गद्दार? हाँ? या तेरा भाई? अन्ना सेठ उस गद्दार का पता हम लगाता है। मैं मार जाऊंगा। नहीं। जा अब्दुल, जा देख कौन है वो नमक हराम। बोल अब्दुल। मेरा नहीं दिया। बोला मूसा से बहुत मिलता है आजकल। मालूम नहीं था अपना काम वाला अपने से गद्दारी करेगा। कितने में खरीदा मूसा ने तेरे को? 10,000, 20,000, 20 लाख पैसे के लिए तो उसको मार डाला। और कितने में सौदा दिया बोल? तबीज की औलाद ये तेरा बाप है? ये क्या? मैं बताता हूँ। बता। अच्छा कब? मूसा के आदमी मुझे पकड़ के ले गए थे। कब? कल। नहीं 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 पैसा क्यों दे रहे थे तेरे को? मुझे फंसाने के लिए है ना? और तू फंसा? अन्ना सेठ। अन्ना सेठ, इसने मुझे फंसाने की कोशिश की। इसे मैं मारूंगा। नहीं करण। क्यों नहीं? जो काम तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। Thank you.
क्या दुश्मनी थी तेरे भाई से मेरी? कुछ नहीं, यतीम बच्चा था, अमेरिका में पढ़ना चाहा, पढ़ो, औकात थी हमारी, फिर भी किशन का भाई, अपने किशन का भाई वहां पढ़ता है अमेरिका में, अच्छा लगता था। वापस आया अन्ना से, तुम्हारे साथ काम करना है, करो, देखा ना क्या किया, ले बीड़ी चला। मैं कैसे चुप बैठता, क्या अच्छा लगा उसको मारते वक्त। तेरे बारे में नहीं सोचा, सोचा, लेकिन धंधा किशन, धंधा, धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। बोला था तेरे को खत्म कर दे उसको, नहीं माना तो भाई था तेरा, चुप बैठ, उसी वक्त मार देता, ये वक्त नहीं आता। अच्छा अच्छा, भूल जा, चलो वापस आ जा। पागल बन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैंने अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ध्यान में रख, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा चला देता उसको। एक अधूरा सपना साथ लिए जा रहा हूं भैया, जिस तरह अन्ना ने अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा जला डाला, मैं भी उसे एक दिन इसी के घर में जिंदा जला डालूंगा।